प्रदेश में होगी हाथियों की गणना। 2015 के बाद 2020 में एक बार फिर प्रदेश में हाथियों की गणना की जानी है। गणना का कार्य 6 जून से 8 जून तक किया जाएगा। उत्तराखंड में राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही प्रदेश के 12 वन प्रभागों में फैले हाथियों के वास्तव्यों से हाथियों की गणना की जाएगी, जिसको लेकर वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हाथियों की गणना में पहली बार वन विभाग ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग करेगा। मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी व्रत पराग मधुकर धक्ते ने बताया कि वर्ष 2015 के बाद 2020 में हाथियों की गणना फिर से की जा रही है। हाथियों की गणना के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वीर वाउचर के माध्यम से हाथियों की गणना की जाएगी। मुख्य रूप से जो हमारा उत्तराखंड का तराई भावर का क्षेत्र है, यहाँ से जिसमें आपके राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वेस्टर्न सर्कल, शिवालिक सर्कल के क्षेत्र आते हैं यहाँ पे, तो इसी क्षेत्रों में हाथियों का एक उचित वास्तल भी यहाँ उपयुक्त वास्तल है यहाँ पे। इस बार उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हाथियों की गणना की जा रही है। 6, 7, 8 जून 2020 में ये गणना की जाएगी, 3 दिन की जाएगी, पूरे प्रदेश में गणना की जा रही है हाथियों की। इसमें मुख्य रूप से जो इसकी तरीका है, ये बेसिकली है टोटल काउंट और डायरेक्ट साइटिंग के आधार पर गणना की जाएगी। 2015 में जो हाथियों की गणना हुई थी उसमें जो हाथियों की संख्या थी वो 1797 थी, और अभी जब ये गणना पूरी हो जाएगी तो इसमें अभी 2020 5 साल बाद जो हमारी गणना है होने जा रही है यहाँ पे, तो इससे हाथियों की संख्या से आकलन भी पता चल जाएगा। और साथ ही में हमको मानव वन्य जीव संघर्ष के जो हमारी रणनीति बन रही है उसके क्रम में ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे गाँव है और कौन से क्षेत्र है जो संवेदनशील है, जहाँ पर हमको अपनी रणनीति अच्छी तरह से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो ये इस हाथी गणना में हम लोग ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। ब्लॉक में जो है हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे, और ड्रोन का प्रयोग पहली बार हाथी गणना में हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास अपने उत्तराखंड ड्रोन फोर्स के अपने ड्रोन्स है, तो उसके माध्यम से ड्रोन की सहायता से भी जो है हाथी गणना का जो है हम फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर कब तक आ जाएगी इसकी गणना? ये लगभग मेरे ख्याल से 1 माह के अंदर का जो है पूरा डाटा संकलित होकर इसका अध्ययन किया जाएगा, और जो भी तरीका है उसमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड की ओर से जो है इसकी गणना के परिणाम घोषित किए जाएंगे।